ये लड़की है। क्या नाम है, क्या नाम है बताना अपना? मैं नहीं बताऊंगी। बता देना। हेलो दोस्तों, मैं किसान सारी मन आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं बिलासपुर, और बिलासपुर का जो ट्रिप है हम लोग का वो है ललित के साथ, और कुछ कुछ जो सीन है वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है ये वाला जो ट्रिप होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बिलासपुर का, और क्योंकि वो संभाग है तो वहाँ जाने वाले हैं अपन लोग। और जो बीच का जो सीन है ना, काफ़ी ज़्यादा एकदम लाजवाब है, जंगलों से घिरा हुआ है, और बीच में पड़ता है रतनपुर। अगर बाय द वे अगर रतनपुर में रुकते हैं तो गौरव से मिलाते हैं, ठीक है? तो ये लड़की परेशान कर रही है सवेरे से, पता नहीं कैसी लड़की है। ये जो ट्रिप होने वाला है लगभग 150 किलोमीटर के करीबन में होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रिप में है मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है ललित भाई, और ललित का ही काम है। मिलते हैं यार सीधे रोड ट्रिप पे, और आगे का जो सीन है वो चीज़ एंजॉय करिए आप। डला रहे हैं अभी 500 का ऑयल, तो देखते हैं कि 0 से 104 रुपये लीटर 450। तो दोस्तों हमने यहाँ पे डलवाया 450 का पेट्रोल और सीधे निकल गए बिलासपुर ट्रिप के लिए। तो हो ना हो यार ये भी ट्रिप जो है मेरा यादगार ट्रिप होने वाला है, क्योंकि ललित भाई के साथ ये फर्स्ट ट्रिप है, और एकदम सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं सुबह। लेकिन ठंडी तो बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि हम लोग इधर ऐसा है कि जंगली वाला क्षेत्र पड़ता है, ऊपर से अमरकंटक का जो घाट है वो एकदम पास पड़ता है। तो चलिए इस ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा बसंतपुर, और बसंतपुर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक होता है पेंडा की तरफ से और एक होता है भाड़ी की तरफ से। तो हम लोग भाड़ी वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग का सबसे जो नज़दीक वाला जो रास्ता है यही वाला है। और फिलहाल ये जो रास्ता है अभी रिपेयर में बन रहा है, रिपेयर नहीं इसको बोल सकते हैं, नया बन रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि रास्ते जब बन जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग इस रास्ते से निकलते हैं अभी बसंतपुर के लिए, और आप रास्ते को इन्जॉय करिए। मज़ा तो इसी में आ रहा है, क्योंकि ये जो रास्ता है अभी बनना ही स्टार्ट ही हुआ है। इधर पे गिट्टी वगैरह रखा हुआ है छोटे छोटे, जो 20 mm का होता है वो वाला, बाकी का बीत चुका है। देखते हैं कि जो आगे का जो रास्ता है वो कैसे होता है, लेकिन जर्नी जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ब्रो। केंदा का घाट है ना, बहुत बड़ा घाट है, और बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना ख़तरनाक वाला घाट है इधर का कि क्या ही बताएं। और ये देखो कि आप पहाड़ का जो नज़ारा है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा करता है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा गजब यार। ऊपर से चढ़ने के बाद जो इधर का नज़ारा दिखता है वो मज़ा आता है, बाकी फ़िलहाल ऐसा कुछ है। यही तो है एक तो होटल, यहीं पर ही राइट साइड में। अरे भाई साहब कितना भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ
यहाँ तक आने में जितना परेशानी हुआ है उतना तो झेले ही हैं अपन लोग, और सीधे अभी निकलेंगे बिलासपुर के लिए। लेकिन थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, और चाय और पोहा वगैरह जो भी चीज़ मिलता है वो चीज़ खाते हैं, फिर निकलते हैं बिलासपुर के लिए। यहाँ पे मिला है ये वाला नाश्ता, तो हमने मंगाया था पोहा और इसमें मटर डाल के मस्त एकदम कुछ ऐसा है। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो भाई साहब हमने मंगाया है पोहा और मटर का वो मिक्सचर, और मजा आया। एवरेज है, इतना भी अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है भाई। सुबह सुबह का जो नाश्ता है वो कंप्लीट कर लेना, उसके बाद कोई सा भी रोड ट्रिप करें मज़ा आता है। तो ठीक है, कंप्लीट करते हैं ये वाला, फिर मिलते हैं रोड ट्रिप पे, ठीक है, फिर जर्नी अगर आगे का स्टार्ट करते हैं। रतनपुर वासियों को नमस्कार यार। अभी ये मिलने वाला है गौरव, और उससे गौरव से मिलते हैं, उसके बाद सीधे निकले बिलासपुर के लिए। तो देखते हैं उसको क्या कर रहा है और कैसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद अपन लोग मिलने वाले हैं उससे। इसको तो पहचानते ही होगे, ये है जीटी क्रिएशन। बहुत दिनों के बाद मिल रहा है भाई, बड़ा काम। और मॉडल राहुल कैसे हो? मस्त में ना? आपका वीडियो आएगा लेकिन आएगा लेट से आएगा, लेकिन जल्दी आएगा। और मिश्रा जी कैसे हो? सब बढ़िया। आप तो बात ही नहीं कर रहे हो यार। राहुल की मंगाए हुए जी, कौन सा कैनवास का? हम देखेंगे अभी, अगर मिलता है तो लेंगे। ये स्मार्ट लड़का, चलो ठीक है, रतनपुर आए, तुमसे नहीं मिला था। क्या बोल रहे हो? ठीक चल, मिलते हैं, टाटा गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आते हैं शाम टाइम से, जाओगे तो चलो ना, चलो। तो यहाँ पे है माया मंदिर, और उसी का जो ग्राउंड है ये वाला हेलीपैड वाला, क्या जी? हाँ तो एकदम पास में ही, तो यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है ये वाला जो है वीआईपी पार्किंग वाला है, और उधर पे जाते हैं। यहाँ पे है मेन मंदिर, और तालाब है यहाँ पे, और कुछ कुछ इधर पे शॉप वगैरह लगा हुआ है जहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग भी कर सकते हो। और गौरव को छोड़ दिया अभी अपन लोग उसके घर के पास ही, और मतलब वो बाल कटाने के लिए आया, और हम लोग अभी निकलेंगे बिलासपुर के लिए। फिलहाल अभी हम हैं रतनपुर में, जिसे धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, और जो 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ भी है, जिसको बोलते हैं हम आया शक्तिपीठ। हम हाईवे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इधर से जाते हैं कुट्टा घाट की तरफ, और अब चलते हैं बिलासपुर की तरफ। तो इधर के जो रास्ते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि अभी अभी फिलहाल एक दो साल के लिए बाइक है, लेकिन बहुत बहुत बना हुआ है, चलते हैं। तो यह जो आपको बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है, ये है माध्यमिक शिक्षा मंडल बिलासपुर का संभाग, और यहाँ पे ललित को काम था तो वो अपने काम कराने के लिए चले गया, और मैं बाहर में बैठे बैठे उसका वेट कर रहा हूँ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे टीचर ही हैं, और काफ़ी सारे लोगों से अच्छे से बात हुआ,
और यहीं पे हम बैठे हैं कदम के पेड़ के नीचे जो आप देख पा रहे हैं। बस बैठते हैं और ललित भाई का वेट करते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे बिलासपुर घूमने के लिए। फिलहाल ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पूरा कदम का पेड़, और कोई ऐसा लग रहा था कि कोई काजू का पेड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा सही लगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था यार, जिस कारण से थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करना अवॉइड करते हैं। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से माध्यमिक शिक्षा मंडल के बिल्डिंग से लेकर ये कहाँ पहुँच गया, गाड़ी वाड़ी कैसे दिखाने लग गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ललित भाई को पसंद आया एक MT-15 जो यमहा का शोरूम पे मिलता, तो हम लोग यमहा के शोरूम पे आए, उसके बाद सीधे चले गए हम लोग KTM ड्यूक के शोरूम पे। यह बिलासपुर सिटी, और अभी हमें KTM का जो शोरूम है यहाँ पे, भाई RC 200 बहुत बेहतरीन लग रहा है। ये वाला भी अगर एडवेंचर में चाहिए तो ये वाला भी सही है, एडवेंचर तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। वो भाई साहब, अभी हम हैं KTM शोरूम और जो यामाहा का शोरूम है उधर पे, और इधर पे बाइक देखे तो छोटू को पसंद आया एक और बाइक MT-15 के अलावा भी KTM 250। तो देखते हैं क्या प्लान है आगे का इसका, छोटू का, बाकी लेगा तो बताएंगे कैसा कैसा बाइक साथ में। तो यार अभी हम लोग रुके हैं यहाँ लस्सी वाले स्टॉल पे, जहाँ हम लोग अक्सर यहाँ पे खाया करते हैं, मतलब पिया करते हैं, और हालत हो चुका है कुछ ऐसा। तो हालत हो चुका है कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं बाल जो है वो हेलमेट लगाने की वजह से ऐसे उड़े उड़े टाइप से दिखाई दे रहे होंगे, बाकी पूरा हाल कुछ ऐसा है। तो अभी तक हमने जो राजीव प्लाजा गया और भाई का काम कराया माध्यमिक शिक्षा मंडल में, और उसके बाद अभी आए हैं बादाम प्लेस पीने के लिए, तो हम लोग अभी यहीं पे बस सीधे निकलेंगे अब घर के लिए। तो देखते हैं फिर कहीं पे खाने वाने के लिए कुछ दोबारा होता है तो वो चीज़ देखते हैं, फिर सीधे निकलेंगे। अभी फ़िलहाल हम भी हैं गोल बाज़ार में, ये जो जगह है इसको बोलते हैं गोल बाज़ार, वहीं पर हैं पहले, तो सीधे निकलते हैं और घर के लिए, बस इतने ट्रिप रहा है आज। तो यहाँ जरूर विजिट करें, बसाना है। अभी जा रहे थे घर के लिए तो नीरज और महाराज रास्ते पे ही मिले हैं पता नहीं कहाँ से हम लोग को ढूंढते ढूंढते आ गए, मिले हम लोग से तो सही लगा, चलो मिल तो लिए हम लोग के गाँव वासी चले ठीक है, फिर आप मिलते हैं अभी घर की तरफ, क्योंकि रात हो चुका है, शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन रात हो रहा है। टाइम 7:30 और 7 बज के अभी 33 मिनट ही हो रहा है, मतलब 7:30 उसी समझ लो। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं अभी घर पे और सही सही पहुँचे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा था जिसकी वजह से अभी ऐसे ड्रेस चेंज किए, उसके बाद फिर बस बेड में बैठे हैं और बस इतना ही तक रहता है, और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और जो भी होगा मैं कल बताता हूँ अपना, जो मैं क्या क्या चीज़ परचेस किया हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।